नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। देवी काली की आराधना पूजा भारत के पूर्वी प्रांत में बहुत लोकप्रिय है। देवी वहां समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा पूजित हैं। खासकर जनजातीय जाति तथा युद्ध कौशल से संबंधित समाज की देवी अधिष्ठात्री हैं। जहां तहां देवी काली के मंदिर देखे जा सकते हैं। प्रत्येक शमशान में देवी काली का मंदिर विद्यमान है तथा विशेष तिथियों में पूजा अर्चना होती है। चांडाल, जो कि हिंदू धर्म के अनुसार शमशान में शव के दाह कार्य करते हैं, एवं अन्य शूद्र जातियों की देवी अधिष्ठात्री हैं। डकैती जैसे अमानवीय कृत्य करने वाले भी देवी की पूजा विशेष रूप से करते हैं। सामान्यतः डकैत डकैती करने के लिए प्रस्थान से पहले देवी काली की विशेष पूजा आराधना करते थे। देवी का संबंध क्रूर कृत्यों से भी है, परंतु ये क्रूर कृत्य पूर्व तथा वर्तमान जन्म में अर्जित दुष्ट कर्म के जातकों के लिए ही है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांतों पर आधारित है। केवल मानव देहधारी या जातकों को अपने नाना प्रकार के जन्मों के कुकर्म के कारण कष्ट दुख तथा सुकर्मों के कारण सुख भोगना ही पड़ता है। पहले के समय में डकैत देवी के निमित्त भव्य मंदिरों का निर्माण करते थे तथा विधिवत पूजा आराधना की संपूर्ण व्यवस्था करते थे। आज भी भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में ऐसे मंदिर विद्यमान हैं जहां डकैत देवी काली की आराधना पूजा इत्यादि करते हैं। हुगली जिले में डकैत कालीबाड़ी, जलपाईगुड़ी जिले के देवी चौधरानी कालीबाड़ी इत्यादि प्रमुख डकैत देवी मंदिर है। स्कंद पुराण के अनुसार देवी आद्या शक्ति काली की उत्पत्ति अश्विन मास की कृष्णा चतुर्दशी तिथि मध्यरात्रि के घोर में अंधकार से हुई थी। परिणाम स्वरूप अगले दिन कार्तिक अमावस्या को उनकी पूजा आराधना तीनों लोकों में की जाती है। ये पर्व दीपावली या दिवाली नाम से विख्यात है तथा समस्त हिंदू समाजों द्वारा मनाई जाती है। शक्ति तथा शैव समुदाय का अनुसरण करने वाले इस दिन देवी काली की पूजा करते हैं तथा वैष्णव समुदाय महालक्ष्मी जी की वास्तव में महाकाली तथा महालक्ष्मी दोनों एक ही हैं। भगवान विष्णु के अंतःकरण की शक्ति या संहारक शक्ति मायामया या आदि शक्ति ही है। महालक्ष्मी रूप में देवी उनकी पत्नी है तथा धन सुख वैभव की अधिष्ठात्री देवी है। अग्नि तथा गरुण पुराण के अनुसार महाकाली की साधना आराधना युद्ध में सफलता और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रोमित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।